हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट महेश यादव आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मज़ामैथ में। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा हुआ है कि जो हमें फंक्शन रिलेशन दिया हुआ है एक आर और एक सेट हमारे पास 1, 2, 3, हम जो रिलेशन दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं। इसने बोला कि हमें शो कराना है कि क्वेश्चन जो है सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या होती है किसी भी चीज़ को दिखाने की, हम देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव टेस्ट अपना। अब देखो यदि क्वेश्चन की रिफ्लेक्सिविटी देख के चल रहे हैं हम लोग, अब देखो क्वेश्चन जो आपका रिफ्लेक्सिव कब हो सकता है आपका क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, यानी कि एक जो रिलेशन है इसके अंदर रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके पास, आप जानते हो कि ए जो है आपका बिलोंग करना चाहिए था आर से, और जो ए है आपका बिलोंग करना चाहिए कि सेट गिवन सेट ए से। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो गिवन सेट है ए, वो हमारे पास क्या है 1, 2 और 3, और जो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन गिवन है वो आप देख सकते हो कि आपके पास 1, 2 और 2, 1। ठीक है, अब हम जो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो आप जानते हो कि ए बिलोंग करना चाहिए आर से, यानी कि क्या कि 1, 1, 2, 2 और जैसे आपके पास 3, 3, ये तीनों आपके बिलोंग करनी चाहिए थी आर से। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो आपका जो रिलेशन गिवन है उसके अंदर कुछ भी ऐसे एलिमेंट नहीं है। यदि ये इसे बिलोंग नहीं करते इसका मतलब क्या होगा, आपका नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप ये भी जानते हो। अब हम दूसरा देखते हैं सिमेट्री अपना। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो एलिमेंट थे आपके होते थे आपके पास ए बी, यानी ए बी यदि मान लो बिलोंग करता है रिलेशन से तो आपका बी ए भी बिलोंग करना चाहिए था उस रिलेशन से। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे देखें कि ए बी, यदि हम ए को देखो यहाँ पर हम लोग 1 माने और बी को देखो यहाँ पर हम लोग 2 माने, तो हमारा 1, 2 जो है बिलोंग करता है रिलेशन से, कर रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे देखो कि जो बी 1 यानी कि 2 और 1 क्या बिलोंग करता है, ये भी बिल्कुल करता है। यदि देखो आप ए बी बिलोंग कर रहे हैं यानी 1, 2 बिलोंग कर रिलेशन से और 2, 1 भी बिलोंग कर रिलेशन से, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो कंडीशन थी सिमेट्रिकल की वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो गिवन ये रिलेशन होगा कैसे होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी कि सिमेट्रिक तो होगा हमारे पास। ठीक है, अब तीसरा टेस्ट हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है आपके पास है, आप जानते हो कि कोई भी एलिमेंट यानी कि ए बी बिलोंग करना चाहिए आपके पास रिलेशन से। ठीक है, अब ए बी यदि हम मान के चले देखो यहाँ पर कि 1 और 2 को लेते हैं, तो देखो हमारे पास जो 1 और 2 है वो हमारे यहाँ पर सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा, अब देखो 2 के बाद हमारे पास कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे हम देख के मान चलें कि 2, 1 को लेकर चले हम लोग, तो मान लो देखो कि 2, 1 तो हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब ये देखो यदि एलिमेंट को देख के चलें, यदि मान लो इसको हम लोग ए माने, इसको बी माने, ठीक है, और देखो एक नॉर्मल बताता हूँ आपको, यदि मान लो इसको बी और सी मान के चलते हैं तो हमारे पास ए और सी क्या बनेगा, यानी ए बी 1 और बी भी आपका 1 बनेगा। इसका मतलब कि 1 और 1 क्या बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो गिवन क्वेश्चन कैसा होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, देखो ये चीज़ आप बोलोगे सर आपने तो ए ए को बिलोंग करके दिखाया है, नहीं ये सिर्फ मैंने आपको जनरली बताया है, अदरवाइज आप देख के चलो तो यहाँ पे आपका ए बी तो बिलोंग कर रहा है लेकिन आपके पास बी और सी, सी एलिमेंट है ही नहीं आपके पास रिलेशन के अंदर। यदि मान लो 2 और 3 लेके चले, सी एलिमेंट को हम 3 मान के चलें, तो 2 और 3 ही हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि गिवन सेट हमारा नॉट ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा हुआ है कि एक रिलेशन है हमें इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, यानी किसी कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखी हुई हैं और उसको सेट ए दिया हुआ है, और हमारे पास रिलेशन क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हमें शो कराना है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कराना हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात समझो इक्विवेलेंस क्या होता है, यानी कि ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, एक सेट यानी एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कब, जब आपका जो रिलेशन है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे आपके पास। कौन सी आपके पास होती है, रिफ्लेक्सिव होती है, दूसरी सिमेट्रिक कंडीशन होती है, और तीसरी आपके पास क्या होती है, ट्रांजिटिव। यानी आपका यदि रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब क्या होगा, आपका गिवन रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखो
ए हमारे पास क्या है, देखो लिखते हैं हम लोग क्या है कि लेट ए क्या हमारे पास सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, यानी किसी कॉलेज की लाइब्रेरी की बुक्स है हमारे पास, ये हमारे पास सेट ए है। और रिलेशन आपको दिया हुआ है क्या कि एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, कि एक्स और वाई के अंदर क्या आपके पास सेम नंबर ऑफ पेजेज हो, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करोगे आप, तो हम देखो सबसे पहले देखते हैं अपना रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या है, यहाँ पे हम देख के चलें तो आप देखो इसमें बोला हुआ आपसे कि सेम नंबर ऑफ पेजेज हो, यानी कि यदि यहाँ पर देख के चले कि एक्स और एक्स मान के चलें तो क्या वो रिलेशन बिलोंग करेगा रिलेशन से, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रिलेशन दिया हुआ है इसने बोला कि सेम नंबर ऑफ पेज, और एक्स यदि दोनों बुक लेके चले, हम दोनों एक ही बुक ले तो सेम नंबर ऑफ पेज होंगे बुक में, बिल्कुल होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आपके पास है? क्या लिखोगे आप, एज एक्स एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, क्योंकि यदि उसके पास सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे, अब यदि उसके पास सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे इसका मतलब क्या होगा, वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यदि वो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि जो रिलेशन होगा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, सॉरी इक्वलनेस होने के लिए, हमारे पास होता है सिमेट्रिक। तो देखो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हो इसने बोला कि एक्स एंड वाई हैव द सेम, यदि मान लो कि एक्स और वाई बिलोंग करते रिलेशन से, क्यों इन्हें बोला हुआ कि सेम नंबर ऑफ पेजेज है, यानी क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। अब देखो यदि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेज है तो क्या वाई और एक्स में होंगे, बिल्कुल होंगे। सो क्या लिखोगा, वाई एंड एक्स ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। अब यदि इसके अंदर भी होंगे इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो वाई और एक्स था क्या वो बिलोंग करेगा रिलेशन से, बिल्कुल करेगा। यदि एक्स वाई बिलोंग करे तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेजेज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि जो रिलेशन आपका कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी कि आर इज सिमेट्रिक। तीसरा आपके पास क्या होता है, ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या है, आपने इसने बोला ट्रांजिटिव में देखने के लिए कि सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन, यानी कि मान लो देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारा एक्स और वाई बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है, यानी क्या कि एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेज होते हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग एक और रिलेशन देख के चलते हैं क्या, वाई और जेड, यानी कि वाई और जेड यदि क्या ये बिलोंग करते हैं हमारे, हमने माना कि भाई हमारे पास दो बुक्स है, तीन बुक्स हैं एक्स वाई जेड, हमारे पास कितनी तीन बुक्स हमने लिए यहाँ पे एक्स वाई और जेड। देखो एक्स और वाई के हमने लिए कि रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब कि एक्स और वाई के भी यहाँ पे जो पेज है वो सेम है, और हमने बोला कि वाई और जेड के भी पेज आपके सेम है, तो क्या एक्स और जेड के पेज सेम होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो जब आपका एक्स यहाँ पर इक्वल आ रहा है वाई के और वाई आपका इक्वल आ रहा है जेड के, इसका मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल होगा जेड के, नहीं होगा, होगा। यदि एक्स जेड के इक्वल होता है इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि जो एक्स और जेड है वो भी आपका बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन से। यदि ये रिलेशन से बिलोंग करता है इसका मतलब क्या होगा कि आपका रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। और यदि आप, मैंने आपको बताया था यदि कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, आपका सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो कैसा होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। तो ये आपके हमने इसमें शो करा दिया है, इसको अपने आपको शो कराने के लिए बोला हुआ था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है एक रिलेशन और एक सेट दिया हुआ हमें, सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 5, हमें रिलेशन दिया हुआ है ए बी, यानी मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, हमारे पास एक इवन आना चाहिए, आगे बोला और ये हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो कराना है, ठीक है। आगे इसने बोला हुआ है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, ठीक है। अब देखो क्या है,
सबसे पहले देखो हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपना। तो हमें क्या दिया हुआ, एक सेट ए है हमारे पास, ठीक है। उस सेट ए में हमारे पास एलिमेंट क्या है कि 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और हमें पर जो एक रिलेशन है आर, वो हमें दिया हुआ है क्या कि ए बी, और रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि मोड ऑफ ए माइनस बी आपके पास जो नंबर आना चाहिए इवन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हो कि दोनों एलिमेंट को हम लोग सेम लेते हैं, यानी ए और ए, ठीक है। ये बिलोंग करना चाहिए हमारे रिलेशन से। अब देखो ए और ए लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि मोड ऑफ ए माइनस ए इक्वल जीरो आता है हमारा, आता है। और आप जानते हो कि जीरो क्या है, कि जीरो एक इवन नंबर है, ठीक है। अब जीरो एक जो एक इवन है, और ये जीरो ओड भी और इवन दोनों नंबर आप ले सकते हो, इस चीज़ को किसी में भी गिन सकते हो। तो हम यहाँ पे देखो यदि इसको इवन में लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हमारे पास, यानी क्या होगा कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या सेकंड केस अपना, सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में क्या है कि ए और बी यहाँ पर बिलोंग करते हैं रिलेशन से, हमने बोला, ठीक है। तो और हमने बोला जब ए और बी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि ए माइनस बी आपका इवन आएगा, यानी क्या होगा कि मोड ऑफ ए माइनस बी आपका इवन हो गया। अब देखो यदि ए माइनस बी आपका इवन है तो हम देखते हैं रिलेशन में सिमेट्री बताने के लिए क्या कि हमारा जो B और A है क्या वो बिलोंग करता है आर से, हमें ये चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो अब A माइनस B हमारा इवन है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मोड दिया हुआ हमें, यानी हम लोग क्या करते हैं कि अब हम इंटरचेंज करते हैं, यानी A की जगह B और B की जगह A, यानी हम लोग इसको लिखते हैं क्या कि B माइनस A, इस पर हम लोग चेक कर रहे हैं। और इसको लिखने हम लोग क्या करते हैं इसको कि माइनस ऑफ A माइनस B लिख सकते हैं, इसको हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। तो देखो आप जानते हो मोड जो है नेगेटिव कैंसिल कर देते, ये क्या बन जाएगा आपका, ये भी आपका A माइनस B बन जाएगा। अब देखो जब आपका a माइनस b आपका इवन था, इसका मतलब ये रिजल्ट भी क्या आएगा आपके पास, इवन आएगा। अब यदि ये भी इवन आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो सेट होगा आपका कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, ट्रांजिटिव। तो हम लोग क्वेश्चन को ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या हम लेते हैं हमारे पास कि नाउ, यानी क्या लिखते हैं हम लोग कि लेट ए बी, यानी हमारे पास दो एलिमेंट है ए बी, ये बिलोंग करते हैं रिलेशन आर से। एंड और हम देखते हैं कोई दो एलिमेंट यानी बी सी हमारे बिलोंग करते हैं किससे, रिलेशन आर से, ठीक है। अब ये देखो यदि ए और बी बिलोंग कर रिलेशन से, इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि ए माइनस बी इसका मोड आपके पास एक इवन नंबर आएगा। ऐसे आपके पास यहाँ पर देखो कि b माइनस सी इसका मोड आपके पास ये भी एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। अब यदि देखो कि a माइनस बी आपका इवन नंबर आता है, b माइनस सी आपका एक इवन नंबर आता है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि अब देखो दोनों इवन नंबर को जोड़ दो, यानी कि क्या कि a माइनस में b प्लस b माइनस सी, b से b कैंसिल, क्या है आपके पास a माइनस सी। अब आप जानते हो कि दो जब इवन नंबर को प्लस किया जाता है, जो थर्ड नंबर गिवन होता है वो भी हमारे पास कैसा होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका जो कंडीशन थी, यानी कि आपका जो ए और सी नंबर होगा यहाँ पर, वो भी यहाँ पर किसे बिलोंग कर रहा है, हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब सेट हमारा कैसा होगा, आर इज ट्रांजिटिव, यानी सेट हमारा कैसा ट्रांजिटिव होगा। अब देखो यदि सेट हमारा ट्रांजिटिव होगा, उसका मतलब क्या होगा, गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि जो गिवन सेट होगा हमारा रिलेशन होगा कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखो इसने आगे हमें क्या दिया हुआ, हम आगे करते हैं इसको। तो देखो इसने हमें आगे बोला हुआ था कि शो कराना हमें ये चीज कि जो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। 1, 3, 5 क्या एक दूसरे रिलेटेड हैं। देखो 1, 3, 5 को दिखाने के लिए हम लोग देखते हैं क्या, यदि जो एक सबसेट है, देखो हमें एक गिवन सेट हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4,
फाइव, ठीक है। अब यदि 1, 3, 5 को हम लोग देखो सेट बी मान के चलते हैं, हमारे पास क्या होगा कि 1, 3 और 5, ऐसे हम लोग एक सेट मान लेते हैं कि 2 और 4, ठीक है। तो देखो बी क्या है यहाँ पे, बी एक सबसेट है किसका, ए का, और सी क्या है, सी भी एक सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। अब ये देखो कि जो बी के जो एलिमेंट है सभी के सभी कैसे हैं, ओड हैं आपके, ठीक है। यदि बी के सभी एलिमेंट ओड हैं, ठीक है, और आपने देखा कि जो ऊपर रिलेशन था आपके पास क्या था कि ए माइनस बी आपके पास इवन आना चाहिए। तो देखो यदि हम मान लो एलिमेंट लेते हैं कि 1 और 3, देखो तो 3 माइनस 1 आपके पास क्या आता है, 2 आता है, 1 माइनस 3 भी 2 आएगा क्योंकि मोड आपके पास, इसके मतलब आपको नंबर कैसे देता है कि ईवन नंबर देता है, देता है। यदि मान लो ये नंबर ईवन देता है इसका मतलब क्या आएगा कि जो ऑल दी एलिमेंट्स है बी के आपस में रिलेटेड एक दूसरे से, ठीक है। यदि हम ऐसे हम सेट सी की बात करते हैं, यदि इसके रिलेशन की बात करें तो ऐसे हम रिलेशन को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो कि 2 माइनस 4, यदि हम लोग 2 माइनस 4 करते हैं इसका मोड करते हैं हमारे पास क्या आएगा, ये भी 2 आएगा, यानी कि ये नंबर हमारे पास क्या आता है, ईवन नंबर आता है, जो हमारा रिलेशन कहता है। और यदि ये नंबर हमारे पास रिलेशन में यदि ईवन नंबर आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑल द एलिमेंट जो आपस में क्या रिलेटेड होंगे इस चीज़ के भी, ठीक है। अब इसने बोला है बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनिमल एलिमेंट ऑफ 2, 4। अब देखो ये रिलेशन नहीं बनता है, क्यों क्यों नहीं बनता, देखो कह दो यदि मान लो हम जो हमारे पास सबसेट बी है और सबसेट सी है, यदि इनके हम एलिमेंट्स को लेते हैं और हम अपने जो रिलेशन दिया हुआ रिलेशन में इनकी वैल्यू को डालते हैं, क्या वो एक ईवन नंबर आती, देखते हैं। यदि हम इसका नंबर लेते हैं 2 और माइनस 1 करते हैं हमारे पास क्या आता है, एक 1 आता है, जो कि एक ओड नंबर आप जानते हो। आप चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे हम लेते हैं 4 माइनस 1, ये भी हमारे पास क्या आता है, एक 3, यानी एक ओड नंबर आता है। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन रिलेशन के अंदर यदि हम बी और सी के एलिमेंट्स को डालते हैं तो हमारा जो डिफरेंस आता है दोनों के बीच में वो इवन नहीं होता, यानी वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब यदि ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो एलिमेंट यानी बी और सी जो सबसेट आपके एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से आपका आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे 2 केस है हमारे पास, ठीक है। हमें एक सेट ए दिया हुआ है कि एक्स बिलोंग कर रहा है जेड इन इंटीजर से, जिसमें एक्स की वैल्यू 0 से आपकी 12 तक है, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन आर दिया हुआ है क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो ए और बी रिलेशन इस तरीके का है कि ए माइनस बी एक मल्टीपल आता है 4 का, ठीक है। और हमें शो कराने दोनों रिलेशन हमारे ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, ठीक है। इसने बोला फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, इसने बोला कि हमें ऑल एलिमेंट भी निकालते हैं जो 1 से रिलेटेड हो हर केस के अंदर, ठीक है। अब देखो कैसे, हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक सेट ए है हमारे पास, ए सेट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है जेड से, ठीक है। और हमारा जो एक्स है वो लाई करता है कहाँ से, 0 से लेके 12 तक, यानी कि हमारे यहाँ से देख के तो हमारा जो सेट बनेगा, अब देखो इंटीजर है, इंटीजर में अभी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम जनरली लेके चले तो हमारे पास यहाँ पे 0 से 12 तक के बीच की सारी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि ए बी मोड ऑफ ए माइनस बी एक मल्टीपल आता है 4 का, यानी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीपल है ए और बी, यदि रिफ्लेक्सिव टेस्ट हम देखें इसका, रिफ्लेक्सिव देखते हैं सबसे पहले तो क्या होगा, यदि देखो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कि ए और ए हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है। अब ए और ए हमारा 0 से 12 तक की वैल्यू है, अब यदि देखो दोनों एलिमेंट को हम लोग सेम डालें तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि रिलेशन देखें इसका तो हमारे पास क्या होगा कि मोड ऑफ ए माइनस ए हमारे पास क्या आएगा, 0। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था क्या था कि ये इवन भी ले सकते हैं इसका, यानी क्या आएगा कि विच इज़ इवन, यानी ये हमारे पास इवन भी है। यदि ये इवन है हमारा तो इसका मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देखो देखो रिलेशन यदि हमारे पास यहाँ पर सेटिस्फाई है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्वेश्चन जनरेशन हमारा क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी हमारा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना बी इसका, यानी क्या ये हमारा क्वेश्चन सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो क्या है कि यदि सिमेट्रिक के लिए यदि चेक कर रहे हैं हम तो क्या करेंगे, देखो ए और बी, ए बी बिलोंग करता हमारा किससे, आर से, ठीक है। अब ए और बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो क्या
इसका मतलब क्या होगा कि मोड ऑफ आपका ए माइनस बी क्या आएगा, आपके मल्टीपल ऑफ फोर होगा नहीं होगा, क्या होगा मल्टीपल ऑफ फोर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि b माइनस ए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि a भी बिलोंग करता है, तो हम b माइनस ए पे देखते हैं क्या b माइनस ए करता है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी सिमेट्रिक होने के लिए b a को बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तो हम इसके लिए देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, हमने क्या लिखा यहाँ पर कि a माइनस बी, आप जानते हो मोड नेगेटिव कैंसिल करते हैं, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि a माइनस बी आएगा हमारे पास, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या होगा मल्टीपल ऑफ फोर होगा नहीं होगा, होगा। अब देखो यदि ये भी मल्टीपल ऑफ फोर, इसका मतलब क्या है कि बी ए भी बिलोंग करता है आपका आर से, तो क्या होगा आपका सो आर इज सिमेट्रिक, तो ये आपका जो सेट है कैसा सिमेट्रिक भी होगा। अब देखो तीसरा टेस्ट हमारे पास क्या सी, इसमें हम लोग देखना ट्रांजिटिव, देखना ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखो ए बी बिलोंग करता आपका आर से, ठीक है, मतलब क्या कि मोड ऑफ ए माइनस बी आपका आता है मल्टीपल ऑफ फोर। हम लोग देखते हैं कि बी सी, हमने बोला ये भी हमारा बिलोंग करता है आर से, यानी ये भी क्या होगा कि बी माइनस सी हमारे पास जो मोड में आता है ये भी क्या होगा, हमने बोला कि मल्टीपल ऑफ फोर। ठीक है, अब देखो आप एक बात देख के चलो, यदि आपका जो मल्टीपल ऑफ फोर है, यदि दोनों मल्टीपल ऑफ फोर को आप ऐड कर दो क्या होगा आपके पास, यानी कि यदि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी आप कर दो तो आपके पास क्या होगा, बी से बी कैंसिल, यानी क्या आएगा कि a माइनस सी, तो ये भी क्या होगा आपके पास मल्टीपल ऑफ फोर ही तो होगा, मल्टीपल ऑफ फोर होगा। इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि जो a और c होगा वो भी आपका बिलोंग करेगा रिलेशन से, यदि a और c भी बिलोंग करेगा रिलेशन से इसका मतलब क्या होगा आपका जो गिवन क्वेश्चन कैसा होगा ट्रांजिटिव होगा। यदि आपका क्वेश्चन ट्रांजिटिव है इसका मतलब देखो तीनों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, यदि आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब आपका जो रिलेशन है कैसा होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब इसने हमसे बोला कि आगे हमें निकालना था कि ऑल द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे, यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से होंगे, द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन लिखते हैं हम लोग क्या कि द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, टू वन कौन कौन से होंगे हमारे पास एलिमेंट रिलेटेड टू वन से, यानी हमारे पास होंगे कौन से वन फाइव और नाइन। ठीक है, अब कैसे, यदि ये है मान लो तीन हमारे पास, तो रिजल्टेंट में देखते हैं हम लोग क्या आएगा, यानी कि वन माइनस वन इक्वल टू क्या है जीरो, जीरो क्या मल्टीपल होता है फोर का। यदि हम लोग देख के चले क्या दूसरा एलिमेंट जैसे कि फाइव माइनस वन, ये हमारे पास क्या आएगा फोर, मल्टीपल ऑफ फोर है। तीसरा एलिमेंट हम देखते हैं मान लो नाइन माइनस वन, ये हमारे पास क्या आएगा एट आएगा, ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ फोर है। तो हमारे पास जो तीनों एलिमेंट हमने देखे वन फाइव नाइन रिलेटेड टू वन हमारे पास ये इसके एलिमेंट होंगे। अब इस क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में सिर्फ हमारे लिए रिलेशन बदला हुआ, सेट हमारा जो ए था वो पहले वाला वही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या इसका रिफ्लेक्सिव देखते हैं, क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं हमारा गिवन रिलेशन। ठीक है, अब देखो किसी भी आप जानते हो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए ए बिलोंग करना चाहिए उससे। ठीक है, अब इसने बोला आपसे क्या कि और यहाँ पे जो ए है आपका बिलोंग करेगा किससे, किसी सेट ए से जो आपका गिवन सेट है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ए ए बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, ए ए यहाँ पर क्या करेगा बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्यों, एज ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है बी की इक्वल है। ठीक है, यदि ए बी की इक्वल इसका मतलब क्या होगा आपको ए बिलोंग करेगा इसके अंदर, यानी क्या होगा आपके पास सो आर इज कैसा होगा आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल है। इसलिए हम दूसरा देखते हैं अपना सिमेट्रिक, के सेट हमारा सिमेट्रिक होगा। अब देखो क्या है हमारा यहाँ पर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू बी है, इसका मतलब क्या आपके पास कि ए इक्वल टू बी है। जब ए आपका इक्वल बी के है तो इसका मतलब क्या होगा बी भी तो आपका इक्वल होगा ए के, यदि बी आपका इक्वल ए हो के होगा इसका मतलब क्या होगा कि जो बी और ए है वो भी तो आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा। यदि ये रिलेशन से बिलोंग करता है आपका मतलब कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती है,
इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि आर इज सिमेट्रिक, यानी आर आपका कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तीसरी हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। हम देखो ट्रांजिटिव में देखते हैं क्या गिवन रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखो ए बी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका ए इज इक्वल टू बी है, और हमने बोला कि हमारा बी और सी तीसरा एलिमेंट हमारा वो भी बिलोंग करता है रिलेशन से। इसका मतलब क्या है कि बी इज इक्वल टू सी है। अब देखो जब ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि ए इक्वल टू सी भी तो होगा। यदि ए इक्वल टू सी होगा इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि ए और सी जो बिलोंग करेगा रिलेशन से। इसका मतलब कैसा होगा आपके पास कि आर इज ट्रांजिटिव, यानी आर आपका ट्रांजिटिव भी होगा। यदि आपका तीनों के चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई होती है, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हमें सभी एलिमेंट्स निकालने जो वन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वन से रिलेटेड इसमें इक्वल आने चाहिए हमारे पास, तो इसमें कौन कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ वन, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें इक्वल होगा, क्योंकि इसमें आपसे बोला हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी है। यदि मान लो इसमें कोई भी एलिमेंट लेते हैं वन के अलावा, तो हमारे पास वो जो हमारा रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो वन से यहाँ पे रिलेटेड होगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ओनली वन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि हमें एग्जाम्पल देने रिलेशन के जो कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। सेकंड केस हमें कुछ 5 केस दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना फर्स्ट पार्ट को इधर सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अब एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं। जनरली देखो मान लो यदि हम अपना सेट जो है, यानी कि लेट ए इज इक्वल टू, इसको मान के चलें क्या कि 5, 6 और 7, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसके अंदर जो रिलेशन है ना वो भी हमें ही बनाने हैं, ठीक है। तो हमने सेट मान लिया, तो रिलेशन क्या बनाते हैं हम लोग रिलेशन को जिस तरीके का देते हैं कि भाई हमारे पास दो एलिमेंट होंगे, 5, 6 होगा, और एक एलिमेंट हम लेते हैं कि इसमें बोला सिमेट्रिक होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे, 6 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर यदि मान लो रिफ्लेक्सिव चेक करें तो हमारा यहाँ पर जो 5, 5 और 6, 6 और हमारे पास 7, 7 बिलोंग नहीं करते रिलेशन से। इसका मतलब क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हमारे पास रिफ्लेक्सिव, आप ऐसे क्वेश्चन मिस टाइप में किसी भी तरीके का अपने मन से भी कोई भी एग्जांपल बना सकते हो। ये जनरली मैंने आपको दिखाने के लिए अपना एक तरफ से एक एग्जांपल ले लिया बस। यदि सिमेट्री चेक करें तो हमारे पास देखो यहाँ पर 5 और 6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और 6 और 5 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कैसा होगा हमारे पास कि आर इज सिमेट्रिक होगा हमारे पास, ठीक है। अब यदि आर सिमेट्रिक है, इसने बोला हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो ट्रांजिटिव की क्या है हमारे पास कि देखो 5, 6 तो बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है। हमारे देखो क्वेश्चन में 5, 6 तो बिलोंग करता है रिलेशन से, और मान देखो 6 और 5 भी बिलोंग कर रिलेशन से, लेकिन हमारा 5, 5 ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। नहीं करता इसका मतलब क्या होगा कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। यही चीज़ हमें शो कराना थी क्वेश्चन के अंदर, और तीनों चीज़ें हमने शो करा दी। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे बोला हुआ है कि ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, और ना ही वो सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रिलेशन बनाते हैं सबसे पहले हम। तो सेट हमारा होगा क्या, 5, 6 और 7। इसको छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, 1, 2, 3 लेते हैं हम लोग, ठीक है, ईजी रहेगा। रिलेशन बनाते हैं हम लोग कि हमारे पास एलिमेंट होगा ए और बी, इस हिसाब से कि ए जो होगा लेस देन होगा बी से, ठीक है। अब देखो जब ए हमारा लेस देन होगा बी से तो क्या कंडीशन करेंगे इसके अंदर हम लोग, यदि रिफ्लेक्सिव देखते हैं हम लोग सबसे पहले, क्या रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा इस केस के अंदर। अब देखो रिफ्लेक्सिविटी लिए क्या होना चाहिए कि 1, 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो एक, यानी कि यदि हम लोग ए और ए लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ए ए हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता, क्यों, क्योंकि ए जो है अपने आप से छोटा नहीं हो सकता। कोई भी एलिमेंट अपने आप से छोटा या बड़ा थोड़ी हो सकता है, वो तो इक्वल होगा।
यदि वो बराबर नहीं होता तो रिलेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा केस हम लोग देखते हैं अपना सिमेट्री का, सिमेट्रिक कि सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक की हम लोग देख के चलें तो ए बी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से। ठीक है, मतलब क्या होगा आपका कि ए लेस देन बी होगा। अब देखो यदि ए लेस देन बी है इसका मतलब क्या बी लेस देन ए होगा? नहीं होगा। यदि बी लेस देन ए नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो बी ए है वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। और यदि ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है, ट्रांजिटिव टेस्ट आता है। हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं हमारा रिलेशन। अब देखो यदि हम देखते हैं कि हमारा ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, इसका मतलब क्या है आपका ए लेस देन बी है और बी सी भी आपका बिलोंग करता है रिलेशन से, इसका मतलब क्या है कि आपका जो बी है लेस देन सी है। यदि ए लेस देन बी है बी लेस देन सी इसका मतलब क्या होगा आपका कि ए लेस देन सी होगा, और यदि ए लेस देन सी होगा इसका मतलब क्या होगा आपका कि ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन से। अब बिलोंग कर इसका मतलब कैसा होगा आपके पास कि आर इज ट्रांजिटिव, यानी आपका केस कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। और यही चीज़ आपको शो करना चाहिए सेकंड पार्ट के अंदर कि आपका सिर्फ ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना हो। तो आप देख रहे हो ना तो रिफ्लेक्टिव है ना ही हमारा सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव हमारा ये रिलेशन है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में हमसे बोला हुआ है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं हम लोग ए, हम ले लेते हैं इवन नंबर का, ऐसे 4, 6, 8। ठीक है, और एक लेते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या लेते हैं हम लोग, रिलेशन लेते हैं कुछ इस तरीके का। हाँ, इसके अंदर हम एलिमेंट डाल देते हैं अपने, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव शो करना, तो उसके लिए क्या होगा रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास एलिमेंट होंगे यानी कि 4, 4, 6, 6 और 8, 8। ठीक है, और हमारे पास सिमेट्री भी होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि 4, 6 होना चाहिए। यदि 4, 6 होगा तो 6, 4 भी होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और हम लोग देते हैं कि 6, 8 होना चाहिए हमारे पास। यदि 6, 8 होगा तो हमारे पास क्या होगा कि 8 और 6 भी होना चाहिए, ये हमारे पास रिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। क्या यहाँ पे ए ए बिलोंग करता है रिलेशन से? बिल्कुल करता है, ए ए यहाँ पर बिलोंग करता है रिलेशन से। ठीक है, और यहाँ पे जो ए है आपका क्या है कि जो सेट आपका उसका एक एलिमेंट है। अब यदि ए ए बिलोंग करता है, आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि 4, 4, 6, 6 और 8, 8, एज क्या लिखोगे आप कि 4, 4, 6, 6 और 8, 8 ये बिलोंग करते हैं आपके रिलेशन से। इसका मतलब क्या होगा आपका कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम देखते हैं अपना सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो सिमेट्री के लिए क्या आपके पास कि ए और बी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ए बी बिलोंग करना चाहिए आपका किससे, रिलेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमने एलिमेंट बनाए थे अपने कौन से, यानी कि 4 और 6 का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से। देख के चलो तो हमने 6 और 8 का बनाया था, यानी 6 और 8 भी आपका बिलोंग करता है रिलेशन से। इसका मतलब क्या, बी और ए करता है, इसका मतलब देखो आप 6 और 4 भी तो हमारा रिलेशन के अंदर वो भी बिलोंग करता है, या फिर 8 और 6 भी हमारा, यानी ये भी बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा आपका कि बी और ए भी आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये देखो यदि ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे, इसका मतलब क्या होगा हमारा कि आर जो होगा हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमारा कौन सा ट्रांजिटिव के लिए, क्या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन हमारी है, देखो कि ए बी बिलोंग करता हमारा रिलेशन से, यानी कि जैसे देख के चलो हमारा 4, 6 बिलोंग करता हमारा किससे, रिलेशन से, और बी सी बिलोंग करता हमारा रिलेशन से, यानी कि 6 और 8 हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से। लेकिन हमारा यहाँ पर 4 और 8 रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। यदि नहीं करता इसका मतलब क्या होगा आपका कि ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। जब ए सी बिलोंग नहीं करता आर से, इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी आपका कैसा ट्रांजिटिव नहीं
होगा, यानी ये आपका इसका आंसर होगा। अब हम इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखो क्वेश्चन का फोर्थ जो है पार्ट, इसमें हमसे बोला हुआ है कि आपका जो सेट रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं हम लोग ए, और उसके अंदर एलिमेंट डालते हैं हम कौन से, कि 1, 2 और 3 डाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, जनरली। और हम लोग अपने एक रिलेशन लेते हैं, रिलेशन में क्या डालते हैं हम लोग, कि रिलेशन हमारा कुछ इस तरीके का होगा कि एलिमेंट होंगे ए और बी, जिसके अंदर हमारा जो ए क्यूब होगा उसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू मान लेते हैं बी क्यूब के। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो सिमेट्री नहीं बन पाएगी बस। अब देखो जब हमने पहले इक्वल भी लिया, इसका मतलब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं हम लोग। अब देखो जब ए क्यूब इक्वल भी हमने बी क्यूब लिया, इसका मतलब क्या होगा कि ए क्यूब इक्वल होगा ए क्यूब के, यानी ए क्यूब इक्वल हो सकता है ए क्यूब के। यदि इक्वल होगा इसका मतलब क्या होगा आपका, कि जो एलिमेंट ए ए है वो बिलोंग करेगा आपका इससे, रिलेशन से। यदि ए ए बिलोंग करेगा रिलेशन, इसका मतलब क्या होगा आपका कि आर इज रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, आर आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसे हम लोग मान लो अपना सिमेट्रिक देखते हैं। देखो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ए बी बिलोंग कराते हैं रिलेशन से। ठीक है, देखो यदि यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू को यहाँ पे देखो हम 2 माने, और बी की वैल्यू को देखो यहाँ पर हम लोग 1 माने। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या कि 2 का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 के क्यूब से, यानी ये बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी बिलोंग करेगा रिलेशन से। इसका मतलब क्या कि आपका जो 2 1 है बिलोंग करता है रिलेशन से। क्या 1 2 करेगा, अब देखो डाल के देखते हैं हम लोग क्या कि b की तो वैल्यू यहाँ पर हम करते हैं 2 और a की वैल्यू करते हैं 1, यानी कि 1 का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के क्यूब क्या आता है, ये नहीं आता। इसका मतलब क्या होगा आपका कि 1 2 डज नॉट बिलोंग टू r। यदि बिलोंग नहीं करता इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि r इज नॉट सिमेट्रिक, यानी आपका जो r होगा कैसा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग अपना तीसरा टेस्ट इन ट्रांजिटिव के लिए, क्या हमारा केस ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी को हम लोग मान लेते हैं हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ए और बी जो हमने माना रिलेशन से बिलोंग करता है हमारा, तो ए और बी, और हमने माना देखो कि बी और सी, ये भी हमने माना कि हमारा देखो रिलेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, जब ए और बी बिलोंग करता है, बी और सी बिलोंग करता है, मतलब क्या आपका कि ए क्यूब जो है ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर बी क्यूब से, और यहाँ पर क्या आपका कि बी क्यूब जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब से। इसका मतलब क्या होगा आपका कि जो ए क्यूब होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सी क्यूब से, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यदि ये होगा इसका मतलब क्या होगा आपका कि जो ए सी है वो बिलोंग करेगा आपका किससे, रिलेशन से। यदि ये बिलोंग करते हैं इसका मतलब क्या होगा आपका कि आर इज ट्रांजिटिव, यानी आर आपका ट्रांजिटिव होगा। यही आपको शो करना था कि केस आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट हमसे पूछा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए लेकिन आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, क्या हम लोग सबसे पहले एक सेट लेते हैं ए, और देखो सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट डालते हैं अपने कौन कौन से, जैसे -2 और -3 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और रिलेशन हम लोग कुछ इस हिसाब से लेते हैं हमारा, किसने बोला रिफ्लेक्सिव ना हो, यानी एलिमेंट डालते हैं इसके अंदर सिमेट्रिक के लिए कौन कौन से, जैसे कि -2 और -2। ठीक है, और -2 और -3 और -3 और -2। ठीक है, हमने ये एलिमेंट डाल दिए। अब देखो सबसे पहला देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपके पास क्या आती है कि आपका ए ए बिलोंग करना चाहिए होता है रिलेशन से, जिसमें आपका जो ए होता है एलिमेंट होता है सेट का। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि -2 -2 बिलोंग कर रहा है सेट्स रिलेशन से, लेकिन यहाँ पर -3 और -3 नहीं बिलोंग कर रहा। अब यदि देखो ये बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब क्या होगा आपका, केस अधूरा रह जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है,
और यहाँ पे देख के चलिए, आप सोचो मैंने माइनस के क्यों लिए, मैंने माइनस बस वैसे ही ले लिया, आप चाहो तो पॉजिटिव ले सकते हो इस चीज़ को। दूसरा हम लोग देख के चलते हैं कैसा सिमेट्रिक, यानी क्या होगा, हम कि सिमेट्री देख के चलते हैं। अब देखो सेट को सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि ए बी बिलोंग करना चाहिए आपका रिलेशन से, और साथ में आपका बी ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है। आप यदि क्वेश्चन में देखो तो माइनस टू और माइनस थ्री आपका बिलोंग करता है रिलेशन से, ऐसे आपका माइनस थ्री और माइनस टू भी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। यदि कर से मतलब कैसा होगा आपका कि आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। और यदि आप ये चीज़ देखो ट्रांजिटिव के लिए, क्योंकि गिवन से ट्रांजिटिव होगा, यानी कि देख के चले तो हम लोग क्या कि ए बी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से। ए बी हम लोग क्या लेते हैं, जैसे हमने बोला कि माइनस टू और माइनस थ्री हमारा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और हमने बोला कि बी सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, इसका मतलब क्या कि माइनस थ्री और माइनस टू हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से। क्या माइनस टू बिलोंग कर रहा है रिलेशन से? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब क्या है आपका कि ए और सी भी आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब यदि ए और सी भी आपका बिलोंग करता है इसका मतलब क्या होगा आपका, सो आर इज ट्रांजिटिव, यानी आर आपका कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब देखो यही क्वेश्चन आपसे बोला हुआ था कि रिफ्लेक्सिव ना हो लेकिन सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और यही चीज़ हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा अच्छा फ़ायदा होगा। आप एक सब्सक्राइब से देखिए मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।